राज्यसभा सांसद व भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी की शिमला में पत्रकार वार्ता। कहा, विधानसभा चुनाव में इस बार टूटेगा मिथ, फिर से हिमाचल में बनेगी भाजपा की ही सरकार। केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा, केंद्र व प्रदेश सरकार ने महिला सशक्तिकरण से महिलाओं को बनाया आत्मनिर्भर। सोलन में भाजपा महिला मोर्चा सम्मेलन में लिया भाग। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स बिलासपुर बनकर तैयार। 5 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे जनता को समर्पित। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने तैयारियों का लिया जायजा। ऊना की लारण्य शर्मा ने नेपाल में आयोजित माउंटेन एवरेस्ट अंतर्राष्ट्रीय ओपन ताइक्वांडो प्रतियोगिता में जीता कांस्य पदक। बटोली में लोगों ने लारण्य का किया गर्मजोशी से स्वागत। सिरमौर जिले की प्रसिद्ध झील रेणुका जी में प्रवासी पक्षियों का आगमन शुरू। कजाकिस्तान व साइबेरिया से पहुंचे पक्षी। वन्य प्राणी विभाग ने पक्षियों की सुरक्षा के लिए किए कड़े प्रबंध। हमीरपुर में नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री का दावा, हिमाचल में बनने वाली है कांग्रेस की सरकार। कहा, प्रदेश सरकार कांग्रेस विधायकों पर भाजपा ज्वाइन करने के लिए बना रही दबाव। चुनाव आयोग के सीईओ मुनीश गर्ग ने धर्मशाला स्थित कांगड़ा जिला मुख्यालय से चुनाव जागरूकता वैन को दिखाई हरी झंडी। लोगों से की अपने मत का सही इस्तेमाल करने की अपील।